Hello everyone, welcome to my channel's VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss aapki GK se related questions jo ki exam point of view se important questions hai, wah apan is video mein discussions karenge. Aaiye start karte hain sessions ko. And before that, agar aap channel pe new hain, first time show dekh rahe hain, to please pehle subscribe karein, then video ko share kar dein, then video agar acha lage, meri mehnat aapko achhi lage, क्वेश्चंस आप कुछ भी सीख पाए तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा. ओके, आरबी असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस दोनों एग्जाम्स को फोकस करके मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं. और एसएससी सीएचएसएल आज जैसा कि एग्जाम्स हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, बहुत से क्वेश्चंस मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें से एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले थे. तो प्लीज माय डियर एस्पिरेंट्स, इनका एसएससी का एग्जाम से सीएचएसएल का अब जो आने वाले दिनों में होने वाला है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता दूं पर्टिकुलर क्या करूंगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो उसके बेसिस में बता देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल कल का होमवर्क क्वेश्चन से वह अपन डिस्कशंस करेंगे. सेकंडली अपन डिस्कशंस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकता है. ओके, थर्ड अपन डिस्कशंस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस, राइट. फोर्थ आपका रहेगा एक क्वेश्चन होमवर्क के बेसिस पे. ये पर्टिकुलर फोर्थ पार्ट्स में आपका डिवाइड रहेगा सेशंस, बहुत ही अच्छा सेशंस होगा. आपका कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा. और जिनका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम्स है वह जाके एक वीडियो मेरा देखिएगा, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, सारे क्वेश्चन आज के आए हुए मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा. बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है अपकमिंग जो भी आपका शिफ्ट है या एग्जाम्स है, राइट, जो भी आपका एग्जाम्स होने हैं तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन उसके बेसिस पे पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है. ओके, तो आज का इस वीडियो में अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे जीके के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बने रहिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने कल मैंने होमवर्क दिया था, ये है आपका व्हेन इज द वर्ल्ड स्लीप डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एनुअली, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछता भी है. तो नंदनंदन्स ये आपका है विश्व नींद दिवस 13th of March को, राइट. इसका मैंने आपको डिटेल्स में भी बताया था, आपको आई होप आपने आंसर दिया होगा बी 13th of March इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. माय डियर एस्पिरेंट्स, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम्स ऑफ पर्टिकुलर डेज, विश्व वर्ल्ड स्लीप डे की थीम क्या थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में थीम जरूर पूछता है. ओके, 12 मार्च को, 12th of March को मैंने आपको बताया था 12th of March को वर्ल्ड किडनी डे, राइट, वर्ल्ड किडनी डे एक तरह से अब की बार 12th of March को, वैसे ये आता है आपको मार्च के 2nd गुरुवार को, राइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है. ओके, 15th of March को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, राइट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो अधिकार दिवस होता है ना उसको कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. ओके, 15th of March को, इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, डिस रिवाइज भी मैंने आपको करवा दिया, प्लीज नोट कर लीजिएगा. ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आई होप आपने बी दिया होगा. इंपॉर्टेंट न्यूज पे देखिए, आज एक ही न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है, पंजाब गवर्नमेंट, राइट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अमरिंदर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं. ओके, गवर्नमेंट टू ऑनर वुमेन्स बॉक्सर्स, नाम याद रखिएगा, सिमरनजीत कौर क्वालिफाइड किया है ओलंपिक के लिए, राइट, ये एक बॉक्सर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा, गारंटी से बनेगा, नाम पूछ सकता है सिमरनजीत कौर कौन से खेल से बिलोंग करती है, तो बॉक्सर से, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो डेट इज द पंजाब से, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा. क्लियर हो, मूविंग ऑन चलता हूँ आज की क्वेश्चंस पे. देखिए वन बाय वन अपन क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे अच्छे से, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को. अगर इतना सेशंस आपको अच्छा लगा, कोई चीज़ लगता है कि सर ये चीज़ आप ऐड कर दीजिए ताकि हमारा रिविजन्स भी अच्छे से हो जाए, मैं ऐड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा. ओके, पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रपोज एन एमरजेंसी कोविड-19 फंड फॉर दैट नेशंस, राइट, प्रधानमंत्री मोदी ने देशों
किस देश के राइट कौन सा ऐसा है देशों के लिए एक आपातकालीन कोरोना वायरस राइट कोष का प्रस्ताव किया गया था। तो ननदंश ये था आपका कल, जो आज जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जिसने मॉर्निंग का वीडियो देखा है वोकैबुलरी का, द हिंदू एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स वहाँ पर मैंने शो किया था, उसमें एक आर्टिकल्स इसी से रिलेटेड था, वहाँ मैंने अच्छे से बताया है। प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल्स पर रेगुलर रहिए, गारंटी है आपका जी के ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप खुद देखेंगे। 15 डेज आप कंटिन्यू रहिए, गारंटी है। रेगुलर जो सेशंस मैं अपलोड करता हूँ उसको देखिए, अच्छे से देखिए, गारंटी आपका जी के इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप देखते ही क्वेश्चंस आंसर दे देंगे विदाउट ऑप्शंस। ओके, देखिए ये सार्क में की जो देशों की समिट होती है उसमें ये एक उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एक वार्तालाप की थी, वहाँ पर कुछ फंड्स के डिक्लेरेशंस हुआ है। आप मॉर्निंग का सेशंस देखिएगा और आर्टिकल्स पढ़िएगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर अपन बात करते हैं सार्क में। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियंस एसोसिएशंस फॉर रीजनल्स कॉरपोरेशंस। आई रिपीट अगेंस्ट, साउथ एशियंस एसोसिएशंस रीजनल्स कॉरपोरेशंस राइट। इसका फाउंडेशंस ईयर माई डियर रेस्पेंड्स 1985 है। ओके, हेडक्वार्टर इसका नेपाल्स काठमांडू है। ओके, इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, इसमें टोटल्स 8 कंट्रीज बिलोंग करती है, 8 कंट्रीज बिलोंग करती है। मैं नाम बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान राइट, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आई रिपीट अगेंस्ट, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका राइट, ये 8 कंट्रीज इसमें बिलोंग करती है। सार्क से रिलेटेड सारी मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, ये इनमें से एक क्वेश्चन सार्क से आपको पूछ सकता है। ओके, 1985 फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर इसका नेपाल काठमांडू, 8 कंट्रीज इसमें बिलोंग करते हैं। ओके, मम्मी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट आपका है, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अभी मैंने आपको बताया था, ये तो क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं। ओके, डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट एंड नीड्स, उपभोक्ता अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ननदंश ये आपका मनाया जाता है, मैंने अभी बताया था 15th of March को राइट, 15th of March को। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माई डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने डिटेल्स में वहाँ पर आपको बताया था, इसका डायग्राम्स मैंने आपको बताया था, आई होप ये आंसर आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। ओके, वन मोर क्वेश्चंस बनेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम क्या थी। तो थीम थी आपकी द सस्टेनेबल्स कंज्यूमर राइट, द सस्टेनेबल्स कंज्यूमर इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी आपको रट्टाफिकेशन, देखिए अगर आपको रटने की आदत है तो आप रट्टाफिकेशन कीजिए, समझना है तो आप रेगुलर वीडियो देखिए, बार बार देखिए वीडियो, गारंटी है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे राइट। द सस्टेनेबल्स कंज्यूमर इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे राइट। नेक्स्ट आ जाइए, एंड विच इंडियन सिटी द नेशनल्स मिशंस ऑफ फॉर क्लीन गंगा NMCG राइट रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड इवेंट टू मार्क द कंक्लूजन ऑफ इट्स फ्लैगशिप यानी कि प्रोग्राम्स गंगा आमंत्रण अभियान। एक अभियान चलाया गया था गंगा आमंत्रण अभियान के समापन के लिए एक शानदार का कार्यक्रम आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपके ये आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में, अमित शाह राइट, अमित शाह, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ, अमित शाह जो गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, होम मिनिस्टर्स हैं राइट राइट, ये इनके अध्यक्ष एक तरह से विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि जिसको कहते हैं ना, अमित शाह वहाँ पर अभियान की शुरुआत की थी राइट। गंगा आमंत्रण अभियान किसके अधीन आता है, ये वाटर मिनिस्ट्री के अधीन आता है, जो अभी अभी न्यू एक तरह से रिसेंटली इस मोदी 2.0 में इसका न्यू बनी है राइट। गजेंद्र सिंह शेखावत इनको हैंडल कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत।
जो राजस्थान जयपुर से राजस्थान जोधपुर, सॉरी फॉर दैट, माफ़ी चाहता हूँ, राजस्थान से जोधपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। ओके मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट भी। नेम द पर्सन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। अभी का क्वेश्चन से अभी CSSL में क्वेश्चन पूछा गया था इस डेज में, तो ये क्वेश्चन था, MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र CA नियुक्त किया है प्रशांत कुमार को, राइट, प्रशांत कुमार को। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हुए थे कि प्रशांत कुमार होगा या रमणीत गिल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ऑप्शंस तो पार्टिकुलर एक क्वेश्चंस में नहीं थे। अगर वहां पर आपके पास ऑप्शन था रमणीत गिल, तो आप इसको टिक कीजिएगा। अगर आपके पास प्रशांत कुमार था, तो आप इसको टिक कीजिएगा। ओके तो याद रखिएगा, अभी नियुक्त तो हैं प्रशांत कुमार, पहले थे आपके रमणीत गिल। ओके राणा कपूर, आपने नाम सुना होगा, ये फाउंडर हैं यस बैंक के, जिन्होंने 2004 में यस बैंक की स्थापना की थी। बॉम्बे हेडक्वार्टर है यस बैंक का, ये भी नोट कर लीजिएगा, बॉम्बे महाराष्ट्र। ओके अशोक कपूर और राणा कपूर दोनों इंक्लूड हैं, राइट, ये दोनों मिलके इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी, राइट। सुनील मेहता, माय डियर स्टूडेंट्स, PNB के CEO हैं, PNB के CEO हैं, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और ये PNB के CEO भी हैं, राइट, ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ, अभी इसका आंसर आपके प्रशांत कुमार होना चाहिए, प्रशांत कुमार बी यहाँ पर रॉन्ग है, प्रशांत कुमार यहाँ पर करंट सिचुएशंस में, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके मैं करेक्ट कर दूंगा PDF में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके ए इज द करेक्ट, देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, ए इसका करेक्ट आंसर होंगे। ओके नेक्स्ट आपका पाई डे, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा पाई डे क्या होता है, पाई दिवस कब बनाया जाता है। तो ये आपका बनाया जाता है 14th of March को, राइट, 13th March को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड स्लिप डे, राइट, 15th March को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, राइट, द सस्टेनेबल्स, ये अब इसकी थीम रही थी। ओके सस्टेनेबल्स कंज्यूमर्स, 14th March को आपका पाई डे, राइट। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल्स एनिमल्स प्रोटेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। रैंक्ड में सेकंड पोजीशंस पे कौन है? तो नन देन सेकंड पोजीशंस पे है इंडिया, राइट, भारत ग्लोबल्स एनिमल प्रोटेक्शंस इंडेक्स में सेकंड पोजीशंस पे है, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स और CHSL वाले भी इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ये। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू इंक्रीज द डियरेंस अलाउंसेस, राइट, डियरनेस अलाउंसेस, DA एंड डियरनेस रिलीफ DR, राइट, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 17 टू कितने परसेंट तक किया है? तो नन देन 4% इसका बढ़ाया है, 21% इसको इंक्रीज किया है। आपको पूछ सकता है कितने परसेंट बढ़ाया, तो 4%, कितना किया है, 21%, कितने से, 17% से, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी जो मनरेगा है रोजगार गारंटी के तहत 2017-20 में खर्च की गई राशि कितनी है? तो नंदन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1.83 लाख करोड़ रुपए टोटल्स। ओके उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसे भूमि ऋषि पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जिसने भूमि ऋषि पोर्टल लॉन्च किया है? तो नन देन ये आपका है, भूमि ऋषि किससे बिलोंग करता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, राइट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से भूमि ऋषि पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी इनके मिनिस्ट्री हैं, हैंडल कर रहे हैं। ओके नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। GST काउंसिल डिसाइडेड टू इंक्रीज GST रेट ऑन मोबाइल फोन्स 18% से कितने परसेंट किया है, विथ इफेक्ट 18% किया है कितने से, राइट, ये क्वेश्चन है, विथ इफेक्ट 1 अप्रैल, यानी कि जो अभी अप्रैल से लागू होगा फाइनेंशियल ईयर उसमें से। तो नन पहले थी 12% लगती थी, अब लगेगी 18%, यानी कि मोबाइल की कॉस्ट आपकी महंगी, मोबाइल से आपका महंगा होगा, 12% से 18% कर दिया है, इट मीन 6% की यहाँ पर गैप है। क्लियर हुआ? ये तो थे आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस, ये है आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चंस जो है आपके लिए होमवर्क। प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी भी लगी होगी। कुछ भी न्यू चीज़ सीखते हैं कि सर हाँ हम सीखे हैं,
तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें, शेयर ज़रूर करें जिनका एग्ज़ाम से उनकी हेल्प हो पाए, राइट। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल्स को। इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे आपकी एग्ज़ाम्स के हेल्प के लिए, राइट, प्रिपरेशंस के लिए भी अच्छी प्रिपरेशंस हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।